दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। फरवरी और मार्च में सभी बोर्डों के एग्ज़ाम हैं। कुछ बोर्डों के एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट होंगे। अब इतने कम समय में अपन परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ टिप्स, कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिससे कि हम कम समय में परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो नोट्स हैं, अपने नोट्स के चैप्टर्स को डिवाइड करें और उसी के अनुसार प्रत्येक चैप्टर्स को समय दें। सबसे पहले तो आपके जो नोट्स हैं उनमें कितने चैप्टर हैं उनको डिवाइड करें। मान लीजिए आपके नोट्स में 30 चैप्टर हैं और आपके पास समय बचा है 30 दिन का, तो अपन 30 में 30 का भाग दे दें तो प्रत्येक चैप्टर के लिए आपके पास एक दिन आता है। तो आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड करें और उसी के अनुसार उसको समय दें। फिर अब आपके पास समय कम है, इसीलिए आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नए चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नए चैप्टर्स पढ़ते हैं तो 10 से 15 दिन का आपका समय उसी में निकल जाएगा और जो आपके पुराने चैप्टर हैं वो रिवाइज नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप नए चैप्टर को ना पढ़ें, आपने जो पढ़ा हुआ है उसी का रिवाइज करें। अतः नए चैप्टर को पढ़ने से स्किप करें, आपके पास जो गेस पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। अर्थात आपको जो नया पढ़ना नहीं पढ़ना है, और यदि आप नया पढ़ते हैं तो आपका समय 10-15 दिन उसी में निकल जाएंगे। और फिर आपको प्रत्येक विषय को समय देना है, प्रत्येक विषय को प्रत्येक दिन एक विषय कम से कम 30 से 50 मिनट पढ़ना चाहिए। 30 मिनट से कम नहीं पढ़ना चाहिए और 50 मिनट से लगभग ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय पढ़ने से हमारा जो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो हाँ, हमें 50 मिनट पढ़कर 10-15 मिनट का ब्रेक दे दें, फिर उसके बाद पढ़ने, अर्थात रेगुलर हम ज़्यादा समय तक ना पढ़ें। तो प्रत्येक विषय को कम से कम 30 से 50 मिनट का समय दें। एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, ब्रेक देना है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक दें तो ब्रेक से आप अपने दिमाग को क्या करेंगे, फ्रेश कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करें, आपके पास जो कठिन प्रश्न है, जो आप सवाल हल कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपसे नहीं बनते, कठिन प्रश्नों की सूची बना लें तथा जो प्रश्न आपसे नहीं आते उनको हल करने के लिए ग्रुप स्टडी का उपयोग करें। आपसे जो प्रश्न नहीं बनते हैं उनकी आप एक सूची बना लें और उनको हल करने के लिए आप ग्रुप स्टडी का उपयोग करें। ग्रुप स्टडी के द्वारा आपके जो कठिन प्रश्न हैं वो भी हल हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने वही आपसे कहा कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कम से कम 10-15 मिनट आप अपने माइंड को फ्रेश करें, 10-15 मिनट का समय दें और अपने माइंड को फ्रेश करें। हाँ, लेकिन माइंड को फ्रेश करने के लिए आप मेडिटेशन करें, गाने सुनें, या आप ये नहीं है कि कंप्यूटर का उपयोग या मोबाइल का उपयोग करने लगे फ्री माइंड में, तो माइंड को आप क्या करें, फ्री रखें। टाइम वेस्ट करने वाली वस्तुएं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से दूर रहें। जो आपका समय बर्बाद कर रही हैं वस्तुएं, वैसे तो ये हैं यूज़फुल, लेकिन परीक्षा के समय में इनका उपयोग कम करें। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का उपयोग परीक्षा के समय कम करें। फिर ब्लूप्रिंट के आधार पर आप चैप्टर्स को तैयार करें। समय जैसा कि आपके पास ब्लूप्रिंट है तो उसी के आधार पर आप चैप्टर्स तैयार करें। समय कम है अतः आपको पूरा कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस चैप्टर से जितने ही नंबर का आ रहा उसी के अनुसार पढ़ें। मान लीजिए किसी चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़े प्रश्नों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी करें। यदि आप कम समय में पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो आपके पास समय नहीं है, इसीलिए ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अपने प्रश्नों को तैयार करें। फिर आपने जो पढ़ा है उसमें रिवीजन का विशेष ध्यान रखें।
जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज जरूर करते रहें। यदि हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हमारी स्टडी बेकार है। हमें हर चैप्टर को समय समय पर रिवाइज करना ही होगा। तो रिवीजन के लिए भी आप समय निकालें और प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन अच्छी तरह